उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड में जो है दसौलीगढ़ में ये भगवान माँ काली का जो है मंदिर है। और ये जो हमारे उत्तराखंड में जो 52 पीठ है, पूरे भारतवर्ष में जो 52 पीठ है, उन 52 पीठों में से एक पीठ ये। वेरी गुड मॉर्निंग उत्तराखंड के वादियों से। आज हम जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? काली माता। अच्छा, जय काली माता की जय। कितना किलोमीटर ट्रैकिंग करना है हमें? 6 किलोमीटर। अच्छा, 6 किलोमीटर, ठीक है। पूरा रास्ता दिखाते हुए चलेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं यात्रा। जय माता दी। तो नंदप्रयाग में हमारे इस गांव का नाम है हरकोटी। पहाड़ों के ऊपर काफी चराई में है ये गांव। अभी हम चराई चढ़ के ऊपर जाएंगे सड़क की तरफ। इस गांव की नेचुरल व्यू जस्ट देखने लायक है। और ये हमारे शिव मंदिर अभी कुछ टाइम पहले ही बने हैं। जैसे कि आप में से बहुतों को पता है कि मैं एक बंगाली हूँ और बॉर्न एंड ब्रॉट अप कोलकाता से हूँ, और मेरा हस्बैंड पहाड़ी है जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो मेरे लिए ये पहाड़, गांव, सब कुछ जन्नत जैसी है। ये जो घर दिख रहा है ये इस गांव की सबसे ऊपर का घर है। और ये पीछे से मेरे सासू माँ मुझको समझा रहे हैं कि वो अपने टाइम पे यहाँ पे कैसे घास काटते थे, कैसे गोबर लाते थे, तब के जमाने में कैसे जीवन बिताते थे। तो चढ़ाई चढ़ने के बाद हम अपने कार से काली मठ के मेन एंट्रेंस तक आ गए। और अब हम फिर से चढ़ाई चढ़ के जाएंगे काली मठ मंदिर तक। और पूरे रास्ते में छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी मिले हमें। रास्ते में ये एक छोटा सा गांव आया ठीक काली मठ के नीचे ही। देखो कितना अच्छा खेती कर रखे इन्होंने। अपना केले का पेड़, ये रहा ऑरेंज का ट्री, यहाँ पे राई, हर चीज़ है इनके पास। और इतने नीचे से वो लोग सामान उठा के लाके कितना सुंदर अपना घर भी बनाया, अपना खेती कर रहे। कोरोना तो इनको छू भी नहीं सकता है कहीं। चाचा क्या बना रहे हो? और ये देखो गाइस, हमारे पहुंचने से पहले ही चाचा लोग पहुंच गए थे और चूल्हा जला के ये भगवान के प्रसाद बना रहे। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ माता की मंदिर इतना सुंदर लग रहा था। गाइस, अगर आप उत्तराखंड विजिट करने आ रहे हो, यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। ये जो है त्रेता युग से पहले का मंदिर बना हुआ है। रावण ने जो है, जो रावण हुए थे, रावण ने यहाँ पर तपस्या की थी शिव की। और जो सामने से पीछे गढ़ है वहाँ पे रावण यहाँ पूजा करते, वहाँ पे जो है तपस्या करता है। किंवदंती ये भी है कि यहाँ पे जो है नर बलि होती थी। किंवदंती ये भी है कि बहुत प्राचीन समय में शुरू में जो है किंवदंती है ये, अगर ये सही है या पता नहीं है, किंवदंती सुना है हमने भी कि यहाँ पे नर बलि भी हुआ करते। लेकिन धीरे धीरे कोई जो है कोई जानकार गुरु था उसके बाद दक्षिण कालिका की जो है पूजा करने के बाद उन्होंने तो नरबली से जो है बकरी की बलि देने उसमें जो है वो कर दिया। तो उसके बाद अभी भी यहाँ पे जो है बकरों की बलि देते हैं, भीड़ लगी रहती है माता का। जो भी यहाँ पे आता है मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। और बोलने चालने में जो कुछ मांगोगे दे देगी, जैसा आप मांगोगे वैसा दे देती है। इसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर जाके पूजा किए, आरती किए। तो पूजा कंप्लीट होते होते दोपहर की 1 बज गई थी। हमें बहुत भूख लग गया था तो हमने पहले से ही मैगी वगैरह कैरी करके लाए थे। तो हमने फटाफट वहाँ पे बनाए और खाए और निकल गए वापस गांव की तरफ। और यू नो गाइस, यहाँ पे हमारे फैमिली में 84 की एज में भी हमारे मौसी जी ये चराई चर के आए। आप समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा महत्व है इस मंदिर की। इतने बड़े परिवार जब सब इकट्ठे हो और सब एक साथ घूमने जाए तो कितना मज़ा आता है ना गाइस। पूरे रास्ते काफ़ी हंसी मजाक की हम लोगों ने। एंड द मोस्ट फनीएस्ट पार्ट, लास्ट में गाड़ी में जब जगह नहीं था तो मेरे मम्मी पापा ने डिक्की में बैठ के एंजॉय किया व्यू को। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में मुझको बताना। और यहाँ पे कौन कौन ऑलरेडी आ रखे हो
और कौन आने वाले हो ये भी मुझको कमेंट करके बताना। आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।